नमस्कार दोस्तों, आज समस्त महाजन और करुणा फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर हम अपने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तथा साथ साथ में जो है जम्मू कश्मीर के पड़ाव पर हम निकले हैं। और मेरा पहला पड़ाव, पहला जो राज्य है, हमने हरियाणा को लिया है। हरियाणा में गो सेवा आयोग के चेयरमैन आदरणीय गर्ग साहब के माध्यम से हमने एक गौशाला के बारे में जानकारी दी, जो अद्भुत काम कर रहे थे और तन मन से कर रहे थे। ऐसे कार्य देख करके एक प्रेरणा जगती है, मन में एक उद्गार पैदा होता है और उसको संचालित करने वाले हमारे बीच में है। नमस्कार, कृपया थोड़ा सा अपना परिचय। तो गौ माता ही देती है, गौ माता ने आदेश दिया, क्योंकि गोवन सेवा धाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेद लक्षणा भगवती गौ माता के आदेश अनुसार चलता है। यहाँ पर गौ माता की ही प्रधानता है और गौ माता ही पात्रता को सुनिश्चित किया गया है। तो यहाँ पर जो भी कार्य किए जाते हैं वो वेद लक्षणा भगवती गौ माता के आदेश के अनुसार। हमें गोवन टीम को, मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी काम किया है वो गोवन टीम ने किया है। वो सारे गोपुत्रों ने, जो पंचपुरा नगरी गोपुत्र हैं, उन्होंने सबने मिलकर ये काम गोवन को खड़ा किया है। सबसे पहले मैं माननीय जिनसे हमारी शुरुआत, गोवन सेवा धाम को जिन्होंने एक दिशा निर्देश दिए, माननीय रमाकांत भारद्वाज जी और हमारे माननीय श्रवण गर्ग जी, जो कि गौ सेवा आयोग हरियाणा के चेयरमैन हैं। उन्होंने हमें एक रास्ता दिया और एक नाम दिया जिसका नाम गोवन सेवा धाम आज है। लगभग 1.5 साल के करीब हमें यहाँ स्थान पे हो गया है। और गोवन सेवा धाम का एक ही संकल्प था टीम का, कोई भी गौ माता सड़क पे ना हो, कोई भी गौ माता कष्ट में ना हो और कोई भी गौ माता बेचारी नहीं। वेदों ने, शास्त्रों ने, संतों ने, महंतों ने और सारे देवी देवताओं ने जिनको अपनी माता कहा, और उसकी आज जो दिशा है और दशा है वो आप सब जानते हैं। गौ माता सड़कों पर ऐसे खाती है कचरा, पॉलिथीन, उनको देखकर, और जब उनका एक्सीडेंट होता है, उन सभी चीजों को देखकर गोवन सेवा धाम का निर्माण किया गया है। मूलतः जो संकल्प है वो एक ही है कि पंचकुला नगरी के अंदर एक भी गौ माता गोवन कष्ट में ना हो, 24 घंटे 7 दिन गोवन टीम इस कार्य में लगी हुई है। जहां भी कोई गौ माता हमें मिलती है, कष्ट में मिलती है, एक्सीडेंट में मिलती है, गोवन की अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे गोवन रेस्क्यू, गोवन मेडिकल, गोवन चारा, गोवन सफाई, ये सभी हमने अपनी अपनी ब्रांचेस बनाई हुई है। ये हमारा एक पार्ट है गोवन टीम का। जानकारी मुझे, आप एक ऐसे स्थिति में इसको आपकी टीम और आप लोग भी कोशिश करनी थी जहाँ कुछ संसाधन और कभी संसाधन का आपने चिंता नहीं किया, और ये एक यार क्या है ये सिद्धांत ऐसे था जी। बड़ी स्पष्ट सी बात है, चमत्कार को ही नमस्कार है। हमें विश्वास था कि ये गौ माता जो है इससे बड़ा कोई नहीं, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता इसके अंदर विराजमान है। इसकी इच्छा से ही समाज चलता है, संसार चलता है, यहाँ तक कि देवी देवता भी इसकी आज्ञा को टाल नहीं सकते। तो हम तो एक बहुत छोटे, कौन सा साल था वो जब करके ये लिम्पी, जब पूरा लंपी स्किन डिसीज आया था, तो उस टाइम
हाहाकार मचा हुआ था, गौ माताओं के शरीर पे हजारों फोड़े हो गए थे और फोड़ों का ये हाल था कि एक एक गौ जो फटते थे तो उनमें से खून निकलता था और वो खून और वो फोड़ों की दिशा ऐसी थी कि जैसे एक पेट पे इस तरफ है तो वो अंदर से काटता हुआ गौ माता दूसरी तरफ भी वही फोड़ा होता है और वो हजारों की संख्या पे गौ माता के शरीर पे थे। उस समय से आपने उस समय जब व्यवस्था नहीं थी तो गौ माता ने हमें इस उत्तम काम के लिए गोवन टीम को चुना, जिसके लिए मैं गौ माता का भी आभारी हूं। अभी इस समय आपके पास जो संसाधन जीरो से दिखता है, आपकी टीम जीरो से हीरो बन गई, यानी क्या कहते हैं, हर्ष से अर्श तक है। ये बताइए कि अभी क्या व्यवस्था है, कितने गाड़ियां हैं, कितने संसाधन आप सेवा में लगे। जब पहले दिन हम आए थे ये सारा जंगल था जो आपने, और यहाँ पर हजारों की तादाद में सांप बिच्छू जो भी जंगली जानवर थे, यहाँ कुछ नहीं था, ये पेड़ थे। और ये व्यवस्था थी कि हमें कहा गया था कि भी आप अस्थाई जो है हॉस्पिटल बनाया गया है तो इसमें कार्य करिए, गौ माता को बचाना है, बस एक ही संकल्प है। तो फिर खूब इस समाज ने, पंचकुला नगरी ने खासकर, हमें गोवन टीम के साथ जुड़कर, क्योंकि वो सारी जो गोवन टीम है वो सारी पंचकुला नगरी ही है, उन्होंने खूब गौ माता की सेवा करी, रात दिन एक कर दी। आप किसी एक बंदे किसी एक व्यक्ति विशेष को इसका वो नहीं दे सकते, इसका ये पूरा पंचकुला नगरी के लिए अगर इसका जाता है, ये आप उसको बधाई दोगे तो पूरी पंचकुला नगरी को देता है।